विश्व प्रसिद्ध पर्वतीय और पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कैबिनेट की चिंतन बैठक संपन्न हो गई। 2 दिन तक चली मैराथन बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पहले दिन चली 12 घंटे की बैठक के बाद दूसरे दिन भी करीब 10 घंटे बैठक चली। दूसरे दिन सीएम ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास और जन का कल्याण ही प्रमुख है। बैठक में सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिससे योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इसके पहले पचमढ़ी में सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि 14 अप्रैल बाबा अम्बेडकर की जयंती पर हम एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कबीर महाकुंभ एवं वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। वहीं राशन की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाया जाएगा। 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव मनाया जाएगा। हर एक राशन की दुकान पर यह कार्यक्रम होगा। सीएम ने कहा कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहां हमने नल से जल की पूरे जिले में व्यवस्था कर दी है। 30 तारीख को उसका उद्घाटन करूंगा। वही बैठक के बाद पूरी कैबिनेट भोपाल के लिए रवाना होगी। तो चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास, जनता का कल्याण है और सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस बैठक में दिए। 14 अप्रैल अम्बेडकर की जयंती पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। कबीर महाकुंभ और वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव, राशन की दुकानें बहुउद्देशीय बनेगी और बुरहानपुर एमपी का पहला जिला जहां नल से जल की व्यवस्था होगी। 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना फिर से शुरू होगी। पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी, जिसमें हम लोग भी जाएंगे। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से नए स्वरूप में शुरू की जाएगी और लाडली लक्ष्मी योजना 2 का शुभारंभ 2 मई को, 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा और मां तुझे प्रणाम योजना फिर से शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।